हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन। उमित किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कैबेज का पराठा। बहुत सारे लोगों को कैबेज खाना पसंद नहीं होता, लेकिन आज जिस तरह से मैंने पराठा बनाया है ना, उस तरह से आप बनाओगे ना तो सब चाव से खाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कैबेज को मैंने कट किया है और दो तीन पानी से अच्छी तरह से वॉश किया है। उसके साथ लिया है एक बड़ा साइज का ओनियन, ग्रीन चिली, गार्लिक और बारीक कटा हुआ धनिया। स्टफिंग बनाने के लिए ऑयल गर्म हुआ है, उसमें ऐड करने वाली हूँ जीरा, राई, बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और गार्लिक। ग्रीन चिली गार्लिक फ्राई होने के बाद इसमें ऐड करने वाली हूँ बारीक कटा हुआ ओनियन, और ओनियन को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ओनियन भी फ्राई हो चुका है तो इसमें ऐड करने वाली हूँ हल्दी, बाकी कुछ भी मसाले यहाँ पे हम यूज़ नहीं करने वाले, और बारीक कटा हुआ कैबेज। और कैबेज को हम एक 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। एक 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा कैबेज है ना, अच्छी तरह से पक गया है। हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसके हम पराठे बनाएंगे। नॉर्मल घी के आटे से जो हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा यहाँ पे मैंने लिया है। हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। जो आटा हमने निकाला था ना, उसे हम पतला बेलने वाले हैं, यानी कि पतली सी रोटी हम यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे हम स्टफ पराठे बना रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत पतली रोटी यहाँ पे मैंने बनाई है। बीच में रखेंगे हमारी स्टफिंग। और फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। तवा भी हमारा गर्म हुआ है और दोनों साइड से हम पराठे को पका लेंगे। यहाँ पे मैं ऑयल का यूज़ तुरंत नहीं करने वाली हूँ। एक साइड से जो हमारा पराठा है ना पक गया है, हम उसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे बटर या फिर देसी घी में भी इसे बना सकते हो।
दोनों साइड से जो हमारा पराठा है ना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हुआ है, हम इसे निकाल लेंगे और उसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गोभी का पराठा खाने के लिए रेडी हो चुका है। ये बहुत क्रिस्पी भी बना है और टेस्टी भी। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नवमित किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।